और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। देश की भावना और आकांक्षाओं का अपमान किया है। 60,000 मजदूरों के पसीने को उन्होंने लात मारी है। कांग्रेस 60,000 श्रमिक के अपमान करेछे। नतून संसद बयकट निये कांग्रेसेर निंदा करलेन प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थानेर आजमीरे एकटी जनसभाय भाषण देन। जनतार उद्देश्ये भाषण प्रदानेर समय प्रधानमंत्री मोदी बिरोधीदेर नतून संसद भवन अनुष्ठान बयकटेर विषये निरबता भेंगे कांग्रेस ओ अन्यान्य दलगुलिके तीव्र भाषाय समालोचना करे बलेन, नतून संसद भवन निये राजनीति करे कांग्रेस 60,000 कर्मीके अपमान करेछे। जारा नतून संसद निर्माणे कठोर परिश्रम करेछिल तादेरके अपमान करा हयेछे बले एकाधिक अभियोग उत्थापन करे तीव्र भाषाय कटाक्ष करेन। भारत को नया संसद भवन मिला है। आपने टीवी पर देखा, मैं आपसे पूछता हूं, ये नया संसद भवन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। कई कई पीढ़ियों के जीवन में ऐसे अवसर एक बार ही आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस ने 60,000 श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावना और आकांक्षाओं का अपमान किया है। 60,000 मजदूरों के पसीने को उन्होंने लात मारी है। उनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके अहंकार से आगे आड़ा कैसे आ रहा है, आड़ा कैसे हुआ है। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनकी मनमानी चलने क्यों नहीं दे रहा। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके भ्रष्टाचार पर, इनके परिवारवाद पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। साथियों, 2014 में आप लोगों ने कई दशकों बाद केंद्र में एक स्थिर सरकार बनाई। भाजपा के ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है, लेकिन आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।